हेलो चिल्ड्रेन आज ट्रांसलेशन में हम थर्टी वन टू फिफ्टी एग्जेक्टिव को पढ़ेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में उसके बाद उनके मतलब को जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट फाइव एग्जेक्टिव हैं कंफर्टेबल आरामदायक कॉमन सामान्य करेक्ट सही कॉटन सूती और करेजस साहसी सी ओ एम एफ ओ आर टी ए बी एल ई कम्फर्टेबल मतलब आरामदायक कम्फर्टेबल आरामदायक का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हमें जिसको लेकर या जहाँ पर बैठ कर हम रिलैक्स फील करते हैं उसको हम बोलते हैं कंफर्टेबल जैसे कि कम्फर्टेबल क्लॉथ्स होते हैं कोई भी कपड़ा पहन के हमें ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत टाइट है एकदम हम रिलैक्स फील करते हैं या फिर कम्फर्टेबल चेयर हो सकती है जिस पर बैठकर हम आराम करते हैं तो ये होता है कंफर्टेबल मतलब आरामदायक नेक्स्ट है कॉमन मतलब सामान्य सी ओ डबल एम ओ एन कॉमन सी ओ डबल एम ओ एन कॉमन मतलब सामान्य कोई भी ऐसी चीज़ जो ईजिली और हर जगह हमें मिल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं कॉमन बोलते हैं मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज ले लीजिए जो ईजिली जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लें आलू आलू एक ऐसी सब्जी है जो ज़्यादातर सभी सब्जियों में डाल दी जाती है तो पोटैटो इज अ कॉमन वेजिटेबल बहुत कॉमन है किसी भी सब्जी में डाल दो कहीं भी मिल जाता है अगला है हमारा करेक्ट मतलब कि सही सी ओ डबल आर ई सी टी करेक्ट सही सी ओ डबल आर ई सी टी करेक्ट मतलब होता है सही एक ऐसी चीज़ जिसमें कोई भी गलती ना हो जैसे कि जब हम आपकी कॉपीज चेक करते हैं तो किसी पेज पर कोई गलती नहीं होती तो हम क्या बोलते हैं दिस इज द करेक्ट वर्क दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग ये लिखने का बिल्कुल सही तरीका है तो जब किसी भी चीज़ में कोई गलती नहीं होती तब हम बोलते हैं कि वह चीज़ करेक्ट है बिल्कुल सही है अगला है कॉटन मतलब सूती सी ओ डबल टी ओ एन कॉटन सूती ये वर्ड आपने अपने ई के क्लोथ्स के चैप्टर में भी पढ़ा था कॉटन एक तरीके का फैब्रिक होता है जिससे हम कपड़े बनाते हैं या हम बैटरीज बनाते हैं तो कॉटन का एक प्लांट होता है जिसके वाइट हेयर्स होते हैं जिनसे हम कॉटन फैब्रिक या कॉटन क्लोथ बनाते हैं तो ये होता है कॉटन अगला है करेजस मतलब कि साहसी सी ओ यू आर ए जी ई ओ यू एस करेजस साहसी एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत ज्यादा हिम्मत होती है ताकि वो कोई भी डेंजरस काम आसानी से कर सके उसको हम बोलते हैं करेजस यानी कि साहसी एक बार इनको रिवाइज कर लें कंफर्टेबल आरामदायक कॉमन सामान्य कॉटन सूती सॉरी करेक्ट सही कॉटन सूती करेजस साहसी अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट फाइव हैं कवर्ड ढका हुआ कावर्ड डरपोक क्रिसेंट अर्धचंद्राकार क्यूट मनमोहक डेड मरा हुआ कवर्ड सी ओ E आर ई डी कवर्ड कवर्ड मतलब होता है ढका हुआ किसी एक चीज़ से उसके सामने या उसके पास रखी हुई चीज़ को ढक देते हैं कवर कर देते हैं ताकि वह दिखना बंद हो जाए उसको हम बोलते हैं कवर्ड फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लें आपकी कोई व्हीकल है या आप चलिए अपनी कॉपी को ही ले लीजिए कॉपी को जब आप ब्राउन पेपर से या न्यूज़ पेपर से रैप कर देते हैं तो क्या कॉपी आपको दिखती है नहीं दिखती है ना क्योंकि कॉपी को आपने कवर्ड कर दिया है तो वो होता है कवर्ड अगला है कावर्ड मतलब डरपोक कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको डेंजरस काम करने में डर लगता है कोई भी नई सिचुएशन का सामना करने में उसे डर लगता है उसको हम बोलते हैं कावर्ड या फिर डरपोक सी ओ डब्ल्यू ए आर डी कावर्ड फिर से बोलिए ओ डब्ल्यू ए आर डी कावर्ड मतलब डरपोक फिर है क्रेसेंट क्रेसेंट अर्ध हिंदी के शब्द को आप देखिए अर्ध मतलब आधा और चंद्राकार मतलब चांद के आकार का तो क्रेसेंट मतलब क्या होता है अर्ध कोई भी ऐसा कर्व्ड शेप मतलब कोई भी ऐसा शेप गोलाई में होना चाहिए और जिसके दोनों जो एंड होते हैं वह पॉइंटेड होते हैं जैसे कि आपने चांद को देखा होगा कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दोनों एंड चांद के जो है वो पॉइंटेड है और बीच में हल्का सा गोलाई लिए हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रेसेंट मतलब कि -E -E अगला है cute मतलब मनमोहक ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है देखिए कॉमन भी यहाँ पर आ गया बहुत इजी वर्ड है जो हम रेगुलरली यूज करते हैं कोई बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है देखने में या उसकी बातें हमें प्यारी लग रही हैं तो हम क्या बोल देते हैं या yeah, तो cute मतलब होता है मनमोहक सी यू टी ई -E, क्यूट मनमोहक नेक्स्ट है डेड मतलब कि मरा हुआ एक ऐसा व्यक्ति या कोई भी चीज जो लिविंग थिंग है जिसके अंदर प्राण नहीं है जिसकी सांसें नहीं चल रही उसको हम बोलते हैं मरा हुआ तो ये मतलब उसमें जान खत्म हो चुकी है वह अब जीवित नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं डेड डी ई ए डी डेड डेड मतलब मरा हुआ डी ई ए डी डेड डेड मतलब क्या होता है मरा हुआ तो चलिए एक बार इन सारे एडजेक्टिव्स को हम रिवाइज कर लें कवर्ड ढका हुआ कावर्ड डरपोक क्रिसेंट अर्धचंद्राकार, क्यूट मनमोहक डेड मरा हुआ आगे चलें नेक्स्ट फाइव हैं डेफ बहरा डीप गहरा डेफिनेट निश्चित डिफरेंट अलग डिफिकल्ट कठिन ये फाइव ऑब्जेक्टिव हैं अब हम इनको इंग्लिश और हिंदी में देखते हैं डी ई एफ डेफ डेफ मतलब बहरा जिसकी सुनने की शक्ति खत्म हो गई है जो कोई भी बात या कोई भी आवाज़ सुन नहीं सकता उसको हम क्या बोलते हैं डेफ डी ई एफ डेफ डेफ मतलब बहरा अगला है डीप डी डबल ई पी डीप डीप मतलब क्या होता है डीप मतलब होता है गहरा सपोज करिए आप फ्लोर पर खड़े हैं और जमीन में नीचे की तरफ खुदाई चल रही है तो जब आप फ्लोर से नीचे गहराई में नीचे की ओर झांकेंगे तो आपको क्या दिखेगा एक गहरा गड्ढा दिखेगा या फिर आप सपोज करिए अपनी छत पर खड़े हैं और छत से आप नीचे सड़क की ओर देखते हैं तो आपको क्या दिखेगी आपको गहराई दिखेगी तो वो डेप्थ होती है और डेप्थ का एग्जेक्टिव होता है डीप तो डी डबल डीप मतलब कि गहरा जब हम सतह से नीचे की तरफ जाने वाले किसी भी चीज को देखते हैं तब हम कहते हैं डीप यानी कि गहरा अगला है डेफिनेट मतलब निश्चित डी ई एफ आई एन आई टी ई डेफिनेट डेफिनेट मतलब क्या होता है निश्चित कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी बात जिसको बदल नहीं सकते फॉर एन एग्जाम्पल आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि आपको इस टाइम पर पढ़ना है तो ये बात डेफिनेट है कि आपको उस टाइम पर पढ़ना ही है उसको हम टाल नहीं सकते तो जिस चीज़ को हम टाल नहीं सकते चाहे वह बात हो या कोई टास्क हो तो हम उसको बोलते हैं डेफिनेट डी ई एफ आई एन आई टी ई डेफिनेट निश्चित अगला है डिफरेंट मतलब अलग डिफरेंट मतलब क्या होता है अलग डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी डिफरेंट अलग डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या होता है अलग कोई भी दो व्यक्ति ऐसा बोलते हैं ना कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते जब कोई भी चीज या कोई भी वस्तु इंसान जानवर जो भी कुछ होता है एक जैसे नहीं होते तो हम बोल सकते हैं कि दे आर डिफरेंट हम या तो ये बोलें कि ये दोनों एक जैसे नहीं हैं या फिर हम ये बोल सकते हैं पॉजिटिव वे में कि दे आर डिफरेंट और नेक्स्ट है डिफिकल्ट मतलब कि कठिन डी आई डबल एफ आई सी यू एल टी डिफ़िकल्ट कठिन डी आई डबल एफ आई सी यू एल टी डिफ़िकल्ट मतलब कठिन ये तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा समझने में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप क्या बोलते हो मम्मी बहुत डिफिकल्ट है मुझसे हो नहीं रहा तो जो चीज़ इजी नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वह डिफिकल्ट है ठीक है अब इन पांचों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं डेफ बहरा डीप गहरा डेफिनेट निश्चित डिफरेंट अलग और डिफिकल्ट कठिन और लास्ट फाइव एडजेक्टिव्स हैं डर्टी गंदा डोमेस्टिक घरेलू ड्राई सूखा डल फीका और डम्ब गूंगा डी आई आर टी वाई डर्टी ये वर्ड भी आपके लिए काफी ईजी और फेमिलियर है मतलब डर्टी मतलब क्या होता है डर्टी मतलब जो चीज़ साफ नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं डर्टी तो ये क्लीन का अपोजिट है साफ का उल्टा क्या होता है गंदा तो क्लीन का अपोजिट डर्टी डी आई आर टी वाई डर्टी नेक्स्ट है डोमेस्टिक डी ओ एम ई एस टी आई सी डोमेस्टिक मतलब घरेलू जो चीज घर से संबंध रखती है उसको हम क्या बोलते हैं डोमेस्टिक डी ओ एम ई एस टी आई सी डोमेस्टिक डोमेस्टिक मतलब घरेलू अब हम बोलते हैं ना कि डोमेस्टिक एनिमल तो क्यों बोलते हैं क्योंकि वे जानवर जिनको हम घरों में पालते हैं वो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं मतलब कि घरेलू जानवर इसीलिए हम उनको डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक चोर्स जैसे कि चोर्स मतलब होता है काम मम्मी लोग आपके घर पे काम करती है ना तो वो क्या काम करती हैं वो करती हैं डोमेस्टिक चोर्स मतलब घर के काम घरेलू काम करती हैं अगला है ड्राई मतलब सूखा डी आर वाई ड्राई ड्राई मतलब क्या होता है सूखा कोई भी ऐसी चीज जिसमें जरा भी किसी भी प्रकार का लिक्विड नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं ड्राई बोलते हैं मतलब सूखा जब आपने बाल धोए और जब बाल आपके सूख गए जिनमें से पानी पूरा निकल गया तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे बाल ड्राई हो गए हमारे बाल सूख गए तो ये होता है ड्राई मतलब सूखा नेक्स्ट है डल मतलब कि फ़ीका डल मतलब क्या होता है फीका जिसमें एक तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं जिसमें कोई कलर नहीं होता देखने में बड़ा बोरिंग सा लगता है इंटरेस्टिंग नहीं लगता एक तो वो होता है और एक डल वो होता है जिससे कोई एक्साइटमेंट नहीं होती जिसको देखकर कोई एक्साइटिंग वाइब्रेशन नहीं होता वाइब्स नहीं आते उसको हम क्या बोलते हैं कि वो डल है देखने में फीका फीका सा लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा और लास्ट है हमारा डम, मतलब गूंगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा जो व्यक्ति बोल नहीं पाता उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं डम्ब मतलब कि गूंगा डी यू एम बी डम्ब गूंगा डी यू एम बी डम्ब डम्ब मतलब गूंगा तो चलिए इन पाँचों को एक बार रिवाइज करके ऑल ट्वेंटी को हम रिवाइज करेंगे डर्टी गंदा डोमेस्टिक घरेलू ड्राई सूखा डल फीका डम्ब गूंगा। अब हम स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं कंफर्टेबल आरामदायक कॉमन सामान्य करेक्ट सही कॉटन सूती करेजस साहसी कवर्ड ढका हुआ कावर्ड डरपोक क्रेसेंट अर्धचंद्राकार क्यूट मनमोहक डेड मरा हुआ डेफ बहरा डीप गहरा डेफिनेट निश्चित डिफरेंट अलग डिफिकल्ट कठिन डर्टी गंदा डोमेस्टिक घरेलू ड्राई सूखा डल फीका और डम्ब गूंगा तो ये सारे एग्जेक्टिव जो थे वो आपको अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करने हैं ओके गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे